सबसे पहले तो मंत्री जी आपका बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की बात पर। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सबसे मेन मकसद क्या है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा जी माननीय देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी जी और प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है जी और माननीय गृह मंत्री जी है जी, इनके विचारों से प्रेरित होकर के इनके कार्यों से मजहब से उठ गए जी और विकास के रास्ते को साथ साथ में कानून व्यवस्था को जी और सही पटरी पे लाकर खड़ा करना और जन जन गरीबों में चाहे पिछड़ा हो चाहे वहाँ के लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से उसको लाभ देने का काम सरकार ने किया जी। और उसको मैंने उस नीतियों को समझा और समझने के बाद और मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसका कारण भी था जी जी, उसका कारण भी था जी। एक सवाल सर और है कि समाजवादी पार्टी के आप बहुत दिन से और एक अच्छे नेता माने जाते थे, चार बार से लगातार आप एमएलए भी थे, आपको कोई हरा भी अभी तक नहीं पाया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया सर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं 27 साल से लगातार समाजवादी पार्टी में था जी और 27 साल मैं लगातार पद पे था। मैं चूंकि एक ग्राम की पंचायत से मैंने अपने को शुरू प्रधान पद से मैंने शुरू किया जी, और प्रधान पद पे रहते हुए दूसरी बार मैं प्रधान बना, प्रधान पद पे रहते हुए मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा जी। मैं नाम माननीय नेता जी का मैं भक्त और सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मैं कभी अपने को नेता नहीं समझा, मैंने हमेशा नेता जी का एक सिपाही समझ करके मैंने निष्ठा से ईमानदारी से पार्टी की नीतियों को पार्टी को विचारधाराओं को चलते हुए मैंने काम किया। लेकिन 2022 में हमारा टिकट दिया गया और देने के बाद रात में और सवेरे काट दिया गया जी। और दूसरा तकलीफ की बात ये हो गई कि आज तक कभी ये नहीं पूछा गया कि टिकट आपको नहीं दिया गया तो क्या कारण था जी। और जब जब मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मैंने बात कही तो उन्होंने उस बात को केवल हंस करके उड़ाने का काम किया जी, उसको ना गंभीरता को मेरे दर्द को ना मेरी सोच नहीं समझा जी। तो मुझे लगा कि नेताजी तक ही समाजवादी पार्टी थी, अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रहते। लेकिन मैं काम करता था और काम करूं जी। मंत्री जी, अगला सवाल ये है कि अखिलेश जी की इस राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अनपोलिटिकल नेता आप समझ रहे हैं, क्या समझेंगे इस बात को लेकर? देखिए, अखिलेश जी जिस टीम के साथ जो उनके अगल बगल की जी जी वो टीमें वो कहीं न कहीं दल को जब से इनकी टीम और अखिलेश जी ने जिम्मेदारी संभाली है जी, तब से उनकी टीम जो उनके साथ काम करती है जी, वो 2022 के चुनाव में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे ऐसे कार्य पार्टी के द्वारा करिए उनके साथ रहने वाले जो टीमें थी जी, जो रात दिन उनके साथ रहती थी, उन्होंने जो भ्रामक प्रचार किया, भ्रामक लोगों का नाम दिया, किसी को टिकट देना, शाम को काट देना, सुबह लेना, सुबह मतलब जी हर दो दो तीन बार सिंपल देना लेना होता रहा जी। ये नेता आदमी कहना मेरा उचित भी नहीं जी, समझाना किया हूँ जी। जनता तो 2000 सरकार बनाने की चीज थी जी, हर बार ने सरकार नहीं बनी जी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अभी उस तरफ उस दृष्टि पे उन्होंने उस निगाह नहीं देखा कि हमारी सरकार क्यों नहीं जी 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 जी। हेलो जी, हेलो, हाँ जी जी जी, आवाज मिल रही है सर? हाँ जी जी मिल रही है सर। एक चर्चाएं और चल रही हैं कि विधानसभा मछली शहर को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां आप कर रहे हैं, तमाम चर्चाएं क्षेत्रों में हैं, क्या ऐसा कुछ आश्वासन पार्टी से सर कुछ? राजनीति करने वाला कोई भी हो जी, उसके सोच विचारधारा तो पद प्रतिष्ठा पाने की होती ही है जी जी जी। लेकिन दल में केवल इसलिए नहीं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में कि मुझे विधानसभा ही लड़ा दिया जाए, लोकसभा ही लड़ा दिया जाए, सभी पार्टी में मैं काम करूँ जी जी जी। लेकिन नेता नेतृत्व के प्रति मेरी आस्था है और पार्टी के प्रति आस्था अगर है तो मैं पार्टी का एक सिपाही बनकर काम करूं जी, देश के लिए काम आऊं, समाज के लिए काम आऊं, दलितों पिछड़ों जी इनके लिए काम आऊं, यही मेरा अपना सौभाग्य है। ये करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन
था मान। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके मंत्री जी आपसे, और आगे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।